नमस्कार दोस्तों, मैं खेम कुमार शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उसी सीरीज़ में एक नया शब्द सीखते हैं जो है होमोग्राफ्स। वोकैबुलरी की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होमोग्राफ्स, होमो का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि होता है सेम, और ग्राफ्स का मतलब यहाँ आप ये लिख लीजिए जैसे कैलीग्राफी होती है। कैलीग्राफी के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, कैलीग्राफी का मतलब होता है भाषा लिपि, लिखने का जो पैटर्न होता है उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। लिखावट जो होती है, जैसे शब्दों को हम जो लिखते हैं वो सब कैलीग्राफी में माना जाता है उनको। तो होमो का मतलब होगा सेम और ग्राफ्स का मतलब होता है जो लिखा गया है, मतलब स्पेलिंग सेम रहेगी। ये होमोग्राफ्स है। एक होता है होमोफोन्स, उसमें जो उच्चारण होता है वो सेम होता है लेकिन जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। इसका मीनिंग डिफरेंट होता है, मतलब अर्थ निकलेगा तो अलग अलग होगा लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहती है, तो इसे हम बोलते हैं होमोग्राफ। एक बार फिर से समझते हैं इसको। वो कह रहा है कि किसी शब्द का ऐसा प्रतिरूप है, मतलब होमोग्राफ किसी शब्द का ऐसा प्रतिरूप है जिसमें एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। मतलब मीनिंग जो है आपका, स्पेलिंग जो है वो तो वही रहेगा, मीनिंग का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए जो जो लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है एक्ट, तो स्पेलिंग तो रहेगी सेम, ठीक है, लेकिन उसका जो मीनिंग आएगा, जो अर्थ आएगा वो अलग अलग होगा। तो अर्थ अलग अलग होते हैं, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे शब्दों का उच्चारण कई बार तो अलग अलग होता है लेकिन कई बार समान होता है, मतलब देयर इज नो अ फिक्स्ड रूल, रूल नहीं है फिक्स कि सेम रहेगा या अलग अलग होगा। वो वर्ब और जब नाउन हम यूज़ करते हैं तो उसमें वो कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, किसी पर हम स्ट्रेस देते हैं किसी पर स्ट्रेस नहीं देते हैं, ठीक है। इस ये बहुत डीपली बातें हैं, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, जब हम वर्ड स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसमें हम इसको समझ सकते हैं। तो आई होप मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार देख सकते हैं कि अगर होमोग्राफ की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग जो है वो सेम रहेगा और मीनिंग जो है वो अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया है एक्ट। एक्ट का मतलब काम करना होता है, किसी काम को करना, एक्टिंग करना, एक्ट करना, किसी काम को करना। और एक एक्ट होता है जो नाटक के जो होते हैं आपके पार्ट, जैसे पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, वो एक्ट कहलाते हैं। उसको एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थर्ड, एक्ट फोर्थ, जो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, वो जो जब प्लेस पढ़ते हैं तो उसमें एक्ट बटे होते हैं। और कई बार आपको हिंदी में भी लिखा होता है वन एक्ट प्ले, तो यहाँ एक्ट का मतलब एक समय में किया जाने वाला कार्य है। तो एक प्रकार का दृश्य, एक प्रकार की पृष्ठभूमि, एक प्रकार का पार्ट मान सकते हैं आप उसे। तो यहाँ लिखा है मैंने सुधा विल एक्ट इन अ प्ले, तो यहाँ जो एक्ट है वो काम कर रहा है एज अ वर्ब, तो यहाँ काम करना होगा। तो वो कह रहा है कि सुधा जो है वो एक प्ले में एक्ट करेगी, मतलब उसमें एक्टिंग करेगी, उसमें पार्ट लेगी, हिस्सा लेगी, इसमें वर्ब के रूप में। शी इज इन द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले। अब वो कह रहा है कि उसका जो रोल है वो सेकेंड एक्ट में है, मतलब वो पहले एक्ट में नहीं है, वो दूसरे एक्ट में आएगी, मतलब दूसरा जो पार्ट होगा उसका, पहला पार्ट बीतने के बाद दूसरा जो पार्ट होगा उस दूसरे पार्ट में उसका रोल आएगा। तो यहाँ एक्ट का मतलब मीनिंग जो है वो उसका बदल गया है, अर्थ बदल गया है लेकिन स्पेलिंग सेम है। ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ जो एक्ट है वो एज अ नाउन है। आपको यहाँ इस चीज को मैं इसलिए समझा रहा हूँ, और सीरीज जो मैंने शुरू की है नाउन, उसके बाद में हमने बात की थी प्रोनाउन की, अभी मैं वर्ब नहीं लेके आया हूँ। और उससे पहले मैंने पैलिंड्रोम्स आपको बताया, आपको पैनग्राम बताया, और अब हम चल रहे हैं होमोग्राफ्स पर, ताकि आपको शब्दों का एक बार अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए कि हम शब्दों को कैसे यूज़ करते हैं और किस किस प्रकार के शब्द हम सीख सकते हैं, हमारी वोकैबुलरी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि एक शब्द जो है वो अपने यूज़ करने के तरीके से अपना मीनिंग देता है। अगर हम उसे वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो वो क्रिया के रूप में काम करेगा, अगर हम उसे नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो वो नाउन के रूप में होता है, कई बार हम उसको एडजेक्टिव के रूप में भी काम में लेते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में काम देता है, मतलब विशेषण के रूप में काम करता है।
अब दूसरा एग्जांपल हमने लिख लिया है यहाँ, आई फील वेरी ब्लू टुडे। यहाँ ब्लू का मतलब नीला नहीं है, यहाँ ब्लू का मतलब है सैड, यहाँ ब्लू का मतलब सैड या डिप्रेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ ब्लू का मतलब सैड हो जाएगा। फील के साथ जब भी ब्लू यूज होता है तो उसका मतलब हमेशा सैड या डिप्रेस्ड के लिए होता है। शी वोर अ ब्लू साड़ी, उसने एक नीली साड़ी पहनी। यहाँ ब्लू का मतलब ब्लू कलर से है, स्काई कलर से है, और यहाँ ब्लू का मतलब सैड है। तो स्पेलिंग तो सेम ही होगी और यहाँ जो उसका मीनिंग है वो अलग अलग हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम अलग अलग यूज़ करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, ढूंढते रहिए। और इसका पूरा जो लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।